ये जो हमारा साल है, इसमें चैलेंज सिर्फ हमारा ये है कि हम कैसे लोगों को काम पे भी अपने कारोबार भी करते रहें, उनको रोज़गार भी मिलता रहे, और साथ साथ कैसे लोगों को एहसास दिलवाएं कि आपको ये इन शराइत के मुताबिक, इन कंडीशंस, इन एसओपीज के मुताबिक आपको काम करना है आपकी, आपके लिए। ये एक पूरा प्रोसेस है। अब हम पूरी इसके ऊपर कैंपेन चलने लगी है, एक मीडिया कैंपेन, अपने जो वॉलंटियर्स हमारी टाइगर फोर्स है उनको अब हम जगह जगह भेजने लगे हैं, पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हॉटस्पॉट्स पे पहुंच गए हैं कि स्पेसिफिक जगहों के ऊपर हम रोकेंगे इसके फैलने से। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा ये एक अगला जो महीना है, मुश्किल महीना है, मैं ये कह दूँ कि मुश्किल महीना है, लेकिन इसमें हम स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये हॉटस्पॉट्स और ये एसओपीज, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो हमने अब करना है कि इस टाइम के अंदर जो हमारे वो लोग हैं जो कि कोरोना से जिनकी जानों को ख़तरा है, जिसमें हमारे बूढ़े हैं और जिसमें हमारे वो लोग जिनको वो बीमारियां हैं, जो अगर उन बीमारियों के साथ कोरोना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, यानी उनकी जान ख़तरे में चली जाती है, मसलन हार्ट डिज़ीज़ हो, मसलन डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो इनको, इनके लिए हमने लॉकडाउन भी करना है। इनको कहना है कि आप इनकी ख़ास अपनी एहतियात करें, अगर हम इनको बचा गए तो फिर कोरोना का वो इफ़ेक्ट नहीं होगा जो हमने देखा कि दुनिया के और मुल्कों में, अमेरिका में हुआ है। तो ये हमारा असल में चैलेंज है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अगला महीना है, ये अब से लेके एक महीना, इसमें हम पूरी, अगर हम ये लोगों को बचा लें लॉकडाउन के सबसे बुरे इफ़ेक्ट से, जो भूख गुरबत और गुरबत की वजह से लोग मरे उससे बचा लें, और दूसरी तरफ हम कोरोना से उस तबके को बचा लें जो सब जिसकी जिनकी जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है।